हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का कार्यपालिका चल रहा था, तो कार्यपालिका बहुत थोड़ा बड़ा है और मैं कार्यपालिका के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने कल 93 क्वेश्चन मैंने कार्यपालिका के कराया था, आज उसी के आगे कराने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, कार्यपालिका अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो राज्य की कार्यपालिका भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देख लीजिए कि प्रधानमंत्री की शक्ति तथा कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति का परामर्श दिया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए, जब संसद में मंत्रिपरिषद का विश्वास समाप्त हो जाए तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध करता, बिल्कुल गलत है। एक और दो सही है इसमें, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की प्रधान के रूप में होता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत का महानिवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, ऐसे मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन का कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, ये गलत है। इसके बाद देख लीजिए, केवल एक सही है इसमें। तो देखिए, भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74 में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, पुनः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार के उपरांत चाहे तो कुछ संशोधन करके अथवा बिना इस संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है तो उसके पास बोलने और दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु केवल उस सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, विशेष वीटो होती है, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है कि देखिए, फिर से देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और विशेषित वीटो, ये गलत है। जब राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख किया गया, तो केवल दो सही है। इसके बाद देख लीजिए, प्रायः विश्व के सभी देशों में कुल चार प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया। आत्यंतिक वीटो अर्थात विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, निलंबनकारी वीटो कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति अपनी सहमति या असहमति न दे, विशेषित वीटो जबकि विधायिका की असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जाता है, और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। यह वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के रूप में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं, अपनी सहमति दी, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ली, विधेयक मतलब धन विधेयक को छोड़कर को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों के समान होती है, बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य को निर्वहन कर रहे होते हैं तब उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया जाता है, तो सी सही है एक और दो। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होता है। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति का कार्य करने के अवसर प्राप्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कार्यवाहक सभापति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्र
अरे नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति का लोकसभा समयावधि समाप्त होने से पूर्व से विघटन करने का परामर्श दे सकता है, न तो एक न तो दो। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ होता है लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास मत के माध्यम से हटा सकती है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति की से की जा सकती है। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मंत्री के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है, गलत है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो न तो एक न तो दो। इसके बाद देख लीजिए, संविधान के उपबंधों के अनुरूप प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्य संचालन के नियम भी राष्ट्रपति द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहां पे क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, गलत है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री से त्यागपत्र या मृत्यु से विघटित हो जाता है, तो दो और तीन सही है। इसके बाद देख लीजिए कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है। अगला देख लीजिए आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, गलत है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन में ही कर सकता है, ये भी गलत है, तो न तो एक न तो दो। प्रत्येक विधेयक की संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक एक अधिनियमित बन जाता है। सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए, अन्यथा वह मंत्री नहीं बन सकता है। अगला देख लीजिए, राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य भी मंत्री बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करना होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री का चयन संसद के किसी भी सदन से कर सकता है, ये भी सही है। एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है, ये गलत है, तो केवल एक का और दो नहीं सही है, ये है एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि प्रत्येक विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक को एक अधिनियमित बन जाता है। इसके बाद देखिए, सामान्यतः संसद लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए, अन्यथा नहीं वो मंत्री नहीं बन सकता है। राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामित सदस्य भी मंत्री बन सकता है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 1977 में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, ये गलत है दोस्तों, केवल एक सही है इसमें। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री सचिवालय 1947 में गवर्नर जनरल कार्मिक के सचिव जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय का नाम प्रधानमंत्री सचिवालय ही था, परंतु 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। इस कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रधानमंत्री के सम्मान के बीच प्रथम रूप से उल्लेखनीय नहीं है दोस्तों।
तो देख लीजिए कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि मंत्री कौन होना चाहिए। राष्ट्रपति केवल उन्हीं इन्हीं में से मंत्री पर नियुक्ति करता है। वह मंत्री के विभागों का आवंटन और अदला बदली करता है। मंत्रियों को निर्देश देता है कि उनका नियंत्रण करता है, उनकी मध्य समन्वय करता है और मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकता है और मंत्री से मतभेद और स्थिति में राष्ट्रपति से मंत्री को बर्खास्त करने को कर सकता है। उसके त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। इसके बाद देख लीजिए, किसी भी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए यही गलत है। प्रथम तीन स्थितियां स्पष्ट है। मंत्रिपरिषद की तुलना में प्रधानमंत्री की प्रभाव शक्ति उत्तरदायित्व की दर्शाती है। चौथी स्थिति प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के दोनों के समान होती है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।